इस लेक्चर में हम फोटोशॉप के जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो इसका काफ़ी अच्छा फीचर है और इसको हम डिज़ाइनिंग में, यूआई डिज़ाइन में कुछ जगहों पे यूज़ करते हैं। और इसका मैं बताऊंगा कि इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहले ये देखें, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर राउंडेड रेक्टेंगल मैंने लिया है, ये 4 पिक्सल ऊपर से रेडियस सेट हुआ है, ये मैंने इसको ड्रॉ किया, ये इस पर इसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल खुल गया। प्रॉपर्टीज़ पैनल में सबसे पहले तो मैं इसका स्ट्रोक ख़त्म करूँगा, हमें अभी स्ट्रोक नहीं चाहिए। और इसका कलर जो है वो हम फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं ग्रे, ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब आपने अक्सर देखा होगा इंटरनेट के ऊपर के जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइसिंग के जो होते हैं, डिफरेंट ऐसे प्राइस टेबल, प्राइसिंग टेबल्स उनको कहते हैं, वो बने होते हैं, तो वो हम एक छोटा सा बना लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं और कितना इजी है उसको चेंज करना। तो मैं अभी एक प्राइसिंग टेबल बनाने लगा हूँ जल्दी से ज़रा। ये मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसका कलर हम, ये अब एक बटन के तौर पर काम करेगा, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने ये लिया, टेक्स्ट टाइप किया गेट नाउ, और इसको मैं ऊपर इसके अलाइन कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मेन डिज़ाइन की मेन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, अभी मैं अलाइनमेंट बस कर रहा हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल जी करूँगा तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं बटन। अब ये जो बटन है इसको हम अभी थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके अलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए इसके, ये लें, ये सेंटर में आ गया। अब हम इसका थोड़ा सा कलर बदल दें, मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइट कलर कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके कुछ इस तरह करेंगे कि कुछ टेक्स्ट वगैरह हम लिख लें, जैसे ग्रे में लिख लेते हैं कि 24x7 आवर्स, कीबोर्ड से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी, आवर्स सपोर्ट। और इसके अलावा हमें अभी ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट आपको समझ लग जाएगी कि कैसे हमने जो है ना वो इसको हमने थोड़ा छोटा कर दें, इसकी साइज़ नहीं छोटा हुआ, ठीक है। और इसको हम ज़रा कर देते हैं लाइट में ताकि ये इजी हो पढ़ना। अच्छा, अब ये मैं कहता हूँ कि ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं इसके, ये मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल जे के साथ। ये हम एडवांस लेक्चर्स में ज़्यादा जाएंगे, शॉर्टकट में अभी मैं ज़रा दिखाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ये है कि इसमें हम लोरम इप्सम यहाँ से टेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं और इस तरह हमें इजी हो जाएगा। ये मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसके फीचर्स ज़रा डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसमें पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अभी हम ऐसे ही रखते हैं इसको, ये हम डिलीट कर देते हैं लेयर, टेक्स्ट लेयर। अच्छा जी, ये हमारे जो है ना, फ़र्ज़ करें 4 हमारे फीचर्स थे इस पैकेज के। ये हमारा है इसका नाम रख लेते हैं प्रीमियम पैकेज। अभी मैं इसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे हम बना रहे हैं, अभी सिर्फ हम पर्पस दिखा रहे हैं कि हमारा जो है वो जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि जैसे अब मेरा, मैं इसमें कोई ब्लेयर स्टाइल भी दे देता हूँ, जैसे ग्रेडियंट ओवर ले है, और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉप शेडो, ये बाद में हम चीज़ें देख करेंगे अगले इसमें, नेक्स्ट जो इससे आगे हमारा आएगा। तो अभी के लिए जो है ना हम इसको, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा कर रहा हूँ ताकि जो है ये
देखने में थोड़ा अच्छा लगे और अजीबोगरीब सा ना लगे। अच्छा ये फ़र्ज़ करें हमने बेसिक सा बना लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये जो प्रीमियम पैकेज और ऊपर वाले जो टेक्स्ट है, ये सारा जो टेक्स्ट है इसको मैं इधर कर लेता हूँ। ये मेरा हर एक पे अलग हो, लेकिन ये जो मेरी बैकग्राउंड्स हैं इसकी पीछे से और ये जो बटन है वो सब में सेम रहे, और उनको अगर मैं बाद में चेंज करना चाहूँ एक को तो वो सब चेंज हो जाए इकट्ठे, बजाय कि मुझे सबको चेंज करना पड़े। तो मैं ये टेक्स्ट को ऊपर रख देता हूँ और ये बटन और ये जो हमारा पीछे रेक्टेंगुलर बैकग्राउंड थी इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ग्रुप करके मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मेरी, ये देखें, ये पूरी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ये पीछे वाली बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कंट्रोल जे करूँगा, इसको डुप्लीकेट कर लिया मैंने, कंट्रोल जे एक और दफ़ा डुप्लीकेट कर लिया, ये देखें एक और ये तीन, ठीक है। अब ये मेरे पास तीन जो है ना वो ग्रुप्स आ गए हैं। अच्छा अब मेरे, मुझे फ़ायदा क्या है इसका, वो ये फ़ायदा है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं अब ये तीनों फ़र्ज़ करें, ये एक पैकेज था और ठीक है, और ये भी एक पैकेज था, इनको ज़रा मैं थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए मिडल में ले आऊँ, ठीक है। अब ये था फ़र्ज़ करें मेरा प्रीमियम, ये फ़र्ज़ करें ये प्रो पैकेज है, और ये जो है ये गोल्ड पैकेज है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो ये तीनों बैकग्राउंड्स हैं, बजाय कि मैं बार बार जाऊँ और इनको सेपरेटली इनको एडिट करूँ, मैं एक इनमें से स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको, इसका कलर या जो भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें ये है ऑरेंज मैंने कर दिया इसको, और ये जो बटन था इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, ब्लूइश सा, और मैंने इसको सेव कर लिया। तो ये देखें, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का जो असल यूज़ है कि मैंने एक बैकग्राउंड चेंज किया, एक सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज किया तो वो सारे ऑब्जेक्ट चेंज हो गए। अब मैंने फ़र्ज़ करें एक डिज़ाइन बनाया हुआ है और मैं उसमें जो है वो उस स्क्रीन पे इस तरह के 10 हैं या 11 हैं या 12 हैं, तो उनको चेंज करना जो है, या ऑटोमेटिकली कि मैं एक को चेंज करूँ और सारे चेंज हो जाएँ, तो वो कितना ईजी है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका ये ग्रेडियंट ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये ग्रेडियंट ख़त्म कर दूँगा फ़िलहाल। ये देखें, ये आपके जो हैं वो बॉक्सेस आ गए हैं। फिर अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट चेंज करूँ, मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, स्टार्ट नाउ, ठीक है, ठीक है, ये अब मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया और आपका यहाँ से ग्रुप को सेव कर दिया। जब मैं उसको क्लोज़ करूँगा तो आपने याद रखना है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेव करना है, वरना ये चलेगा नहीं, यानी कि उसको बदलेगा नहीं। तो ये देखें, ये सब चेंज हो गए हैं, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का असल यूज़। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो छोटा बड़ा करता हूँ, तो वो भी जो है ना इररिलेटिव दूसरे के जो है ना वो चेंज होता जाएगा। ये देखें, ठीक है, दूसरे उसी साइज़ के हैं लेकिन ये चेंज हो गया, लेकिन जो इनके स्टाइल्स हैं, इनका टेक्स्ट है, वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में सेव है, वो मैं किसी टाइम भी जाके बदल सकता हूँ। और टेक्स्ट जो है वो मेरे सारे सेपरेट हैं, उनका इसके साथ कोई लिंक नहीं है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो निशानी है वो ये है कि ये जो आइकॉन आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है छोटा सा, ये है असल में स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरा ख़्याल है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपको काफ़ी पता लग गया होगा, और इसका जो मेन पर्पस था वो हमने देख लिया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com, और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं, नए न्यू कोर्सेज के बारे में, एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं,
تو ان کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سبسکرائب کروائیں, اور میرے یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کروانا نہ بھولیے. تھینک یو.